फ्रेंड्स, हम लोग समुद्र विज्ञान यानी ओशियनोग्राफी को पढ़ रहे हैं और इसके अंतर्गत देखिए हम लोगों ने अपने पहले वीडियो में देखा था कि जो पृथ्वी पे मुख्य महासागर हैं उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, उनका एक जनरल इंट्रोडक्शन लिया था। अब देखिए आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग जो महासागरीय नितल है इसकी आकृतिक विशेषताओं को समझेंगे, यानी कि महासागर के नितल को और उसकी जो आकृतिक विशेषताएं हैं इन चीजों को हम लोग समझेंगे। देखिए पहले कुछ जनरल बातें हैं, जैसे थोड़ा तो महासागरों का परिचय दिया गया है जिसको हम लोग ऑलरेडी पिछले वीडियो में देख चुके हैं। अब देखिए जैसे कि अगर हम लोग बात करें महासागरों की गहराई की, तो महासागरों की गहराई के मापन के कई सारे तरीके होते हैं, तो यहाँ पर उन टेक्निक्स को भी बताया गया है जो पुराने समय में यूज की जाती थी। उसके बाद यहाँ पर कुछ नई टेक्निक्स को भी बताया गया है। तो देखिए वैसे तो जितनी भी टेक्निक्स हैं उनको आपको उनका नाम ही याद रखना होगा, लेकिन जो यहाँ पर ध्वनि तरंगों का यूज किया जाता है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। तो देखिए फॉर्मूला है चाल बराबर दूरी बटे समय, जिसको आप सभी जानते होंगे। इसको इंग्लिश में इस तरह से भी संकेतों में बताया जाता है, वी इक्वल टू डी बाई टी। अब देखिए इसमें डी मतलब हो गया डिस्टेंस, टी मतलब हो गया टाइम। देखिए समुद्र की गहराई कैसे पता लगाई जाती है, मान लीजिए कि यहाँ पर ये आपकी समुद्र की तली है और ये मान लीजिए जो ऊपर का स्थान है यहाँ से समुद्र की गहराई का पता लगाया जा रहा है। तो क्या किया जाएगा, यहाँ से एक जो ध्वनि की तरंग है उसको नीचे पानी में भेजा जाएगा समुद्र की तली तक। ये तरंग जा रही है और समुद्र की तली से टकराती है, टकराने के बाद क्या होगा, वापस आएगी, तो ये यहाँ पर वापस आ जाती है। तो यानी कि मान लीजिए जो ये तरंग पानी में गई और वापस आई, इस पूरी प्रक्रिया में लग गए इसको मान लीजिए 5 सेकेंड। तो यानी कि टाइम कितना हो गया टोटल, 5 सेकेंड। और हमको पता है कि पानी में ध्वनि की चाल कितनी होती है, ये चीजें हम लोगों को पता है। तो अभी के लिए हम लोग मान लेते हैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, तो मान लीजिए ऐसा कि पानी में ध्वनि की चाल 2 मीटर पर सेकेंड होती है, बस इसको हम लोग मान रहे हैं। तो अब देखिए क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में वैल्यू रख देते हैं, वी कितना हो गया आपका 2 हो गया, और इसके साथ ही आपका डी कितना है, डी हमें पता लगाना है, और टी कितना है 5 है। तो डी इक्वल टू कितना आ जाएगा, जब 5 का 2 से मल्टीप्लाई होगा 10, तो यानी कि 10 मीटर आ गया। अब देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि ये पूरी गहराई कितनी है, तो ये होगी 5 मीटर। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पर आंसर आया है 10 मीटर, तो मैं इस गहराई को, समुद्र की गहराई को 5 मीटर क्यों बता रहा हूँ। देखिए इसमें पूरा वो टाइम इंक्लूडेड है जितनी देर में तरंग नीचे गई प्लस ऊपर आई, यानी कि ये जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना है, नीचे जाने तक का प्लस ऊपर आने तक का, लेकिन गहराई कितना होगी केवल एक ही बार तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो इसलिए जो 10 मीटर आई है इसको आधा कर देते हैं, तो गहराई कितनी हो गई, 5 मीटर। तो ये एक तरीका है जिसके माध्यम से सागर की गहराई का पता लगाया जाता है, और बाकी यहाँ पर फिर जो पुरानी टेक्निक्स हैं उनका भी ब्यौरा वगैरह दिया गया है, तो अपने एग्जामिनेशन के हिसाब से आप इन चीज़ों को याद कर सकते हैं। इसके साथ ही देखिए फिर आ जाता है उच्चतादर्शी या हिस्टोग्राफिक वक्र, तो इसको यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं डिस्कस करूँगा, इसको बस ऐसे समझ लीजिए कि किसी स्थान पर जो अधिकतम ऊंचाई होती है, जैसे माउंटेन रेंज है तो इसकी जो मैक्सिमम हाइट हो गई, जो अधिकतम ऊंचाई हो गई, और समुद्र में जो मैक्सिमम डेप्थ हो गई, जो अधिकतम गहराई हो गई, इसके बीच का एक जो अनुपात होता है, इसके बीच के जो एवरेज होता है, उसी को उच्चतादर्शी वक्र के द्वारा दर्शाया जाता है। तो इसके बारे में इतनी जानकारी पर्याप्त रहेगी। अब हम लोग देखिए बात करेंगे महासागर की तलीय आकृतियों की। तो देखिए बेसिकली अब हम लोग ये समझने जा रहे हैं कि महासागर का जो तल होता है वो किस तरह का होता है। तो देखिए सबसे पहले हम लोगों को बात करना है महाद्वीपीय मग्न तट की, यानी कॉन्टिनेंटल शेल्फ की। देखिए कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहाँ पे होता है, जो महाद्वीपीय किनारे हैं इसके सातत्य में ही आपको मिलेगा, यानी कि जो महाद्वीपों के किनारे होते हैं इसके साथ ही आपको महाद्वीपीय मग्न तट मिलेंगे। यहाँ पर ये देखिए अगर आप ध्यान से देखें, ये देखिए यहाँ पर शेल्फ लिखा हुआ है और ये शेल्फ को दर्शाया गया है, तो यहाँ पर ये आपका शेल्फ हो गया। ये जो है धीरे धीरे सागर की ओर ढाल बनाते हैं, यानी महाद्वीपीय मग्न तट जो है सागर की ओर ढाल का निर्माण करते हैं, और इसकी जो औसत ढलान होती है 500 में एक, या कह लीजिए 1 डिग्री से 3 डिग्री तक होती है, या फिर और अगर हम लोग दूसरी भाषा में कहें तो 17 फुट प्रति मील होती है। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि ढाल औसत कितना होता है, 1 डिग्री से 3 डिग्री।
इसकी जो औसत गहराई है वो 100 फैदम की होती है। अब फैदम क्या है, तो देखिए 1 फैदम में 6 फुट होता है, तो यहाँ पर औसत गहराई कितनी होती है 100 फैदम, यानी कि लगभग 600 फुट। देखिए इसकी जो बाहरी सीमा है वो नियत होती है, बाहरी सीमा मतलब जो महाद्वीपों के तरफ सीमा है वो नियत होती है। ढलान 20 में 1 के औसत से बढ़ता है। इस ये जो है महाद्वीपीय मग्न ढाल क्षेत्र के आरंभ को चिन्हित करता है, यानी कि यहाँ से जो महाद्वीप का मग्न ढाल क्षेत्र है वो स्टार्ट होता है और इसको मग्न तट ब्रेक कहा जाता है। महाद्वीपीय मग्न तटों की औसत चौड़ाई विश्व भर के लिए लगभग 65 किलोमीटर है। तो औसत चौड़ाई जो आपको महाद्वीपीय मग्न तट की मिलेगी, यानी कॉन्टिनेंटल शेल्फ की जो आपको औसत चौड़ाई मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 65 किलोमीटर पूरे विश्व में। यद्यपि महाद्वीपीय मग्न तटों की चौड़ाई के संदर्भ में कुछ क्षेत्रीय भिन्नताएं मिलती हैं, जैसे कि जहां पर देखिए नदी के मुख होते हैं, यानी कि जहां पर नदी का कह लीजिए कि एक तरह से मुख होगा, वहां पर आपको ये जो महाद्वीपीय मग्न तट है जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है वो ज्यादा चौड़ा मिलेगा। और वहीं पे जहां पर महासागर के समानांतर में पर्वत श्रृंखलाएं होंगी, वहां पर आपको जो महाद्वीपीय मग्न तट है वो अपेक्षाकृत सकरा या पतला मिलेगा। तो जहां पर नदी मुख होंगे वहां पर आपको चौड़ा महाद्वीपीय मग्न तट मिलेगा, कॉन्टिनेंटल शेल्फ चौड़ा मिलेगा। और जहां पर पर्वत क्षेत्र होंगे, तटीय क्षेत्र के समानांतर जहां पर पर्वत होंगे, वहां पर आपको महाद्वीपीय मग्न तट पतला या फिर सकरा मिलेगा। अब देखिए इसी कॉन्सेप्ट में, महाद्वीपीय मग्न तट के कॉन्सेप्ट में, मैं सविन सिंह जी की जो बुक है वहां से भी कुछ बातों को जोड़ूंगा। तो देखिए पहली बात है शेल्फ की परिभाषा। तो शेल्फ की को आप इस तरह से भी परिभाषित कर सकते हैं कि जो शोर लाइन होती है, यानी कि जो तट रेखा होती है, और वहां से वहां तक का क्षेत्र जहां पर ढाल में तेज कमी आना शुरू होती है। देखिए यहां पर आप अगर देखें ये चीज, तो यहां पर आप देख रहे हैं ढाल में तेजी से कमी आई, तो यहां तक का क्षेत्र ये वाला जहां पर ढाल में तेजी से कमी नहीं आ रही थी, कहां से, तट रेखा से लेकर, और जहां पर ढाल में तेजी से कमी नहीं आई है वहां तक का क्षेत्र क्या कहलाता है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ। तो महासागरीय तट रेखा से सागरीय सतह के नीचे उस बिंदु तक जहां से ढाल कोण में तेजी से वृद्धि होती है, इसी को हम लोग शेल्फ कहते हैं। तो ढाल कोण में बेसिकली कहां से ज्यादा तेजी से वृद्धि हो रही है, इस वाले पॉइंट से। तो तट रेखा से ये वाला पॉइंट जो है, यहां तक का ये पूरा हिस्सा, ये हम लोगों का शेल्फ हो गया। अब देखिए कुछ बातें हम लोगों ने देखी कि जैसे जहां पर तटों के सहारे आपके जो समुद्र तट है उसके सहारे जहां पर पर्वत होते हैं वहां पर ये पतले होते हैं महाद्वीपीय मग्न तट, जहां पर आपके नदी के मुख होंगे वहां पर चौड़े होंगे। लेकिन इसका एक अपवाद भी है, मिसिसिपी नदी। तो मिसिसिपी नदी का जो आप कह लीजिए मिसिसिपी नदी का जो नद मुख है उसके पास का जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है या मग्न तट है वो अपेक्षाकृत कम चौड़ा है। अब देखिए कुछ और बातें हैं जिनको हम लोग यहाँ पे समझेंगे। जैसे कि देखिए जो हमारे कॉन्टिनेंट के मार्जिन होते हैं, यानी कि महाद्वीपों के जो किनारे होते हैं, तो कॉन्टिनेंट के जो आपके मार्जिन हो गए, ये देखिए या तो एक्टिव होंगे या इनएक्टिव होंगे। एक्टिव का मतलब क्या है, यहाँ पर या तो प्लेट टेक्टोनिक की एक्टिविटी हो रही होगी या फिर ये निष्क्रिय होंगे, यानी कि यहाँ पर प्लेट टेक्टोनिक की एक्टिविटी नहीं हो रही होगी। इसका एक एग्जाम्पल है जैसे जो उत्तरी अमेरिका और जो दक्षिणी अमेरिका है, इनका जो पूर्वी तट है यह इनएक्टिव है, जहां पर प्लेट टेक्टोनिक की एक्टिविटी नहीं होती है, जबकि जो इनका पश्चिमी तट है वो एक्टिव है, यहां पर प्लेट टेक्टोनिक की एक्टिविटी होती है। हम लोग बात कर रहे हैं पूर्वी अमेरिका और पश्चिमी अमेरिका की। तो जहां पर कॉन्टिनेंट के मार्जिन एक्टिव होंगे, यानी कि जहां पर प्लेट टेक्टोनिक की एक्टिविटी हो रही है महाद्वीपीय किनारों पर, वहां पर आपका जो शेल्फ है वो ज्यादा चौड़ा पाया जाएगा। वहीं पर ऐसे किनारे, यानी कि जहां पर एक्टिव है उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका का जो पश्चिमी तट है, वहां पर शेल्फ कैसा है, चौड़ा है। और जहां पर ये हमारे मार्जिन इनएक्टिव है, यानी कि आपके उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका का जो पूर्वी हिस्सा है, वहां पे आपका शेल्फ कैसा पाया जाएगा, पतला पाया जाएगा, या कह लीजिए नैरो होगा। तो संकीर्ण सबसे सही शब्द होगा हिंदी में। तो इस जो आपका पूर्वी हिस्सा है वहां पर कैसा है, आपका शेल्फ संकीर्ण है। तो एक बार फिर से क्लियर कर देता हूं, जो उत्तरी दक्षिणी अमेरिका का पश्चिमी किनारा है वहां पर शेल्फ चौड़ा है। इसका कारण यह है कि जो यहां पर मार्जिन है वो एक्टिव है, यानी कि महाद्वीपीय किनारों के सहारे प्लेट टेक्टोनिक की एक्टिविटीज हो रही है।
जो पूर्वी हिस्सा है वहां पर शेल्फ कैसा है, संकीर्ण है या पतला है, क्यों पतला है, क्योंकि ये किनारे इनएक्टिव हैं, यहाँ पर प्लेट टेक्टोनिक की एक्टिविटी नहीं हो रही है। अब देखिए, मान लीजिए क्वेश्चन आ जाता है कि महाद्वीपीय मग्न तटों की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न मतों का वर्णन करें, तो देखिए इसका आंसर आप कैसे देंगे, इन चीजों को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, यानी कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ का निर्माण कैसे होता है, इसको लेकर के जो अलग अलग थ्योरीज हैं सभी को हम लोग एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले कहा गया कि नदी और समुद्री लहरों से जो अवसाद आता है उसकी वजह से कॉन्टिनेंटल शेल्फ का निर्माण होता है। इस चीज को देखिए समझते हैं। मान लीजिए जो आपका कॉन्टिनेंटल मार्जिन है, जो मान लीजिए महाद्वीप का किनारे का हिस्सा है, जो तटीय किनारा है, वहां पर क्या हो रहा है, लगातार नदियों के द्वारा अवसाद जमा किया जा रहा है, समुद्री लहरों के द्वारा अवसाद जमा किया जा रहा है। इसकी वजह से इसके ऊपर जो भार है वो बढ़ता जा रहा है। देखिए जब भार बढ़ेगा तो तली नीचे की तरफ धसेगी, जब तली नीचे की तरफ धसेगी इसकी वजह से कॉन्टिनेंटल शेल्फ बन जाएगा। एक बार फिर से बता देता हूँ कि देखिए वो हिस्सा महाद्वीपों का जो बाहर की ओर निकला है और जिसके ऊपर नदियों के द्वारा लगातार अवसाद का जमाव हो रहा है, समुद्र की तरंगों के द्वारा लगातार अवसाद का जमाव हो रहा है, उस हिस्से पर भार ज्यादा बढ़ जाता है। जब भार बढ़ जाता है यानी प्रेशर हो जाता है तो ये हिस्सा नीचे की तरफ धंस जाता है, जिसको कहते हैं निमज्जन होना। और इसकी वजह से महाद्वीपीय मग्न तट यानी कॉन्टिनेंटल शेल्फ का निर्माण हो जाता है। इसके बाद देखिए दूसरी थ्योरी कहती है कि जब महाद्वीपीय किनारों पर भ्रंशन होता है तो इसकी वजह से आपके कॉन्टिनेंटल शेल्फ का निर्माण होता है। तो देखिए जो महाद्वीपों के किनारे होते हैं, जो हमारे कॉन्टिनेंट्स के मार्जिन होते हैं, उसके ऊपर कभी कभी समानांतर भ्रंशन देखा जाता है। तो देखिए जाहिर सी बात है, जब प्लेट्स में मूवमेंट होगा तो इसकी वजह से समानांतर भ्रंशन होगा। और जब देखिए भ्रंश का मतलब ये होता है कि दरारें पड़ जाएंगी, जैसे ही भ्रंशन होगा दरारें पड़ जाएंगी। और देखिए जब दरारें पड़ जाएंगी तो जो महाद्वीपीय किनारे हैं वो थोड़ा सा नीचे की ओर धस जाएंगे, यानी कि जो कॉन्टिनेंट का मार्जिन है वो नीचे की ओर धस जाता है। क्यों नीचे की ओर धस जाता है, पूरी प्रक्रिया को समझ लीजिए। सबसे पहले क्या हुआ, समानांतर भ्रंशन हुआ, क्योंकि मार्जिन एक्टिव है, किनारा एक्टिव है, तो यहाँ पर समानांतर भ्रंशन हुआ। जब समानांतर भ्रंशन हुआ तो इसकी वजह से दरार पड़ गई, दरार पड़ी और इसके बाद जो मार्जिन का कुछ हिस्सा है, जो किनारे का कुछ हिस्सा है, वो क्या हुआ, जमीन में नीचे की ओर धंस गया। अब यही जो धंसा हुआ हिस्सा है यही आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ में बदल जाएगा। इसके अलावा देखिए फिर ये भी कहा जाता है कि जब समुद्र तल में गिरावट होती है इससे भी कॉन्टिनेंटल शेल्फ का निर्माण होता है। समझते हैं देखिए कैसे। मान लीजिए ये यहाँ तक महासागर फैला हुआ है पूरे हिस्से में, अब क्या हुआ, हिमयुग आ गया, यानी कि जो पानी है वो बर्फ में बदलने लगा, तो क्या होगा, जल स्तर कम हो जाएगा, क्योंकि पानी तो बर्फ में बदल गया। तो इससे क्या हुआ कि जो महाद्वीप का कुछ किनारा है वो खाली हो जाएगा, जो इसके ऊपर पहले कभी पानी हुआ करता था अब ये खाली हो गया। इसके ऊपर क्या होगा, जो हिम नदी होती है, जो हमारे ग्लेशियर होते हैं, वो इरोजन करेंगे। और देखिए जब इरोजन होगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पर कुछ स्थान बन जाएगा। और फिर से देखिए जब पहले हिमयुग चला जिसमें पानी जो है बर्फ बन गया, अब इसके बाद फिर से जब समय बदलेगा, जब फिर से पानी पिघलना शुरू होगा, अब बर्फ पिघलना शुरू होगी, पानी में बदलेगी, तो समुद्र का स्तर फिर से ऊपर आएगा और ये जो स्थान है फिर से पानी से भर जाएगा। एक बार इसको भी मैं आपको दोबारा समझाऊंगा। पहले स्तर में क्या हुआ कि एक मान लीजिए ये स्थान था जिसके ऊपर पानी भरा रहता था, इसके बाद हिमयुग चालू हुआ, पानी जो है बर्फ में बदल गया, इसकी वजह से ये जो स्थान है यहाँ से पानी हटकर नीचे की ओर चला गया। अब ये जो खाली स्थान है इसके ऊपर जो ग्लेशियर है वो इरोजन कर रहे हैं। जब इरोजन हो गया तो जाहिर सी बात है इस स्थान में कह लीजिए कुछ नीचे की तरफ चला जाएगा, क्योंकि जो इरोजन होता है उसमें गहराई बढ़ जाती है, तली गहरी हो जाती है। अब देखिए ये जो नीचे की ओर चला गया, तली जो गहरी हो गई, इसके बाद क्या होता है कि जब हिमयुग समाप्त होता है फिर से पानी ऊपर आता है धीरे धीरे, तो ये जो तली है फिर से पानी से भर जाएगी यहाँ पर। और इसकी वजह से क्या हुआ कि आपका जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है वो तैयार हो गया। इसके साथ ही फिर एक थ्योरी है कि जो समुद्री लहरें हैं इनका जो अपघर्षण कार्य है इसकी वजह से भी आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ बनता है, यानी कि जो आपके कॉन्टिनेंट का मार्जिन है, जो एकदम किनारा है, वहां पर जो समुद्र की लहरें हैं
वो लगातार इरोजन करती रहती हैं, जिसकी वजह से कॉन्टिनेंटल शेल्फ का निर्माण होता है। इसके साथ ही देखिए जो महाद्वीपों का समुद्र की ओर झुकाव है, इससे भी महाद्वीपीय भूमि का जो है निमज्जन हो जाता है। निमज्जन मतलब एक तरह से पानी में डूब जाना। तो देखिए जो महाद्वीप है वो समुद्र की ओर झुका हुआ है, तो जाहिर सी बात है समुद्र का पानी क्या करेगा, इस महाद्वीप के जो झुका वाला हिस्सा है इसके ऊपर आ जाएगा, यानी कि ये जो है शेल्फ के रूप में निर्मित हो जाएगा। तो एक ये भी आपकी थ्योरी हो गई। अच्छा देखिए ये जो थ्योरी है इसको थोड़ा सा मैं आपको और डिटेल में समझाऊंगा। देखिए क्या है कि हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि जो समुद्र का जो कॉन्टिनेंट का मार्जिन है, जो महाद्वीप का किनारा है, उसके ऊपर समुद्र की लहरें क्या करती हैं, इरोजन करती हैं, यानी अपरदन करती हैं। तो इसी में आगे क्या होता है, देखिए अपरदन हो गया यानी तली गहरी हो गई, इसके बाद यहाँ पे निक्षेप भी हो जाता है। निक्षेप किसका होगा, जो रिवर्स फ्लो होकर आ रही हैं वो यहाँ पर मलबे का निक्षेप कर देंगी, जो महासागर की तरंगे हैं उनका भी मलबा जो है यहाँ पर निक्षेपित हो जाएगा, तो इससे कॉन्टिनेंटल शेल्फ बन जाता है। तो इसमें कुछ एड ऑन मैंने कर दिया है और बाकी के सिद्धांत जो है ये ऐसे ही रहेंगे। अच्छा देखिए अगर आपसे पूछा जाए कॉन्टिनेंटल शेल्फ की उपयोगिता क्या है, तो एक तो यहाँ पर जीव जंतु बहुत पाए जाते हैं, बहुत सारे जीव जंतुओं का आवास स्थल है, और इसके साथ ही मान लीजिए सुनामी आ रही है, तो जो सुनामी है वो जब कॉन्टिनेंटल शेल्फ से होकर के गुजरेगी तो उसकी जो तीव्रता है वो कम हो जाएगी, और इससे जो तट पर रहने वाले लोग हैं उनको सुरक्षा मिलती है। अब देखिए हम लोग बात करते हैं महाद्वीपीय मग्न ढाल यानी कि कॉन्टिनेंटल स्लोप की। तो पहले तो इसको हम लोग फिगर में देख लेते हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप को। तो देखिए यहाँ पर जो आपका ये वाला हिस्सा है, जो स्लोप लिखा भी है ये वाला हिस्सा, ये आपका कॉन्टिनेंटल स्लोप हो गया। तो देखिए महाद्वीपीय मग्न तट और गहरे महासागरीय मैदान के बीच विस्तारित क्षेत्र महाद्वीपीय मग्न ढाल कहलाता है, यानी कि महाद्वीपीय मग्न तट पीछे हो गया, कॉन्टिनेंटल शेल्फ पीछे हो गया जिसको हम लोगों ने देखा, और इसके आगे क्या मिलेगा आपको, जो महासागरीय मैदान है वो मिलेगा, और इसके बीच में ये जो स्लोप वाला ये जो हिस्सा है इसको हम लोग क्या कहते हैं, महाद्वीपीय मग्न ढाल। तो महाद्वीपीय मग्न ढाल महाद्वीपीय मग्न तट की तुलना में अधिक खड़ा होता है। देखिए जाहिर सी बात है जो कॉन्टिनेंटल स्लोप है इसकी जो कह लीजिए ढाल है वो ज्यादा तेज होता है, और जो शेल्फ है उसका ढाल अपेक्षाकृत कम तेज होता है। इसका जो 5 डिग्री से 60 डिग्री तक विस्तार होता है, यानी कि इसका जो ढाल है 5 डिग्री से 60 डिग्री के विस्तार में आपको मिलेगा, और इसमें क्षेत्रीय विभिन्नता भी होती है। अगर हम लोगों ने देखे जो अभी उच्चतादर्शी वक्र के बारे में कुछ चीजें देखी थी, तो उच्चतादर्शी वक्र में ये 200 से 2000 मीटर की गहराई में दिखाई देगा, और महासागर का जो कुल क्षेत्रफल है उसका 8.5% क्षेत्र ये घेरता है, यानी कि महासागर का जो टोटल एरिया होता है, जो टोटल क्षेत्रफल होता है, उसमें से 8.5% हिस्सा होता है कॉन्टिनेंटल स्लोप का। यहाँ पाई जाने वाली प्रमुख भौतिक विशेषताओं में अंतःसागरीय घाटियां, महासागरीय खाइयां वगैरह होती हैं। इन चीजों को अभी हम लोग देखेंगे कि अंतःसागरीय घाटियां क्या होती हैं, महासागरीय खाइयां क्या होती हैं। यदि अपने खड़े ढाल के कारण यहाँ निक्षेप नहीं होते, देखिए जब ढाल इतना तेज है तो इसके ऊपर कोई चीज जमा कैसे हो सकती है, निक्षेप कैसे हो सकता है, तो निक्षेप नहीं होते, परंतु वे मग्न ढाल के नीचे तली में संचित हो जाते हैं, तथा अथवा यदि वे ढाल के कुछ स्थानों पर एकत्रित हो जाते हैं तो ये बहुत पतले निक्षेपों के रूप में जमा होते हैं। देखिए दो चीजें हैं, एक तो ढाल बहुत तेज है, यहाँ से कुछ अगर यहाँ पे कुछ जाएगा तो वो सीधे जाकर के लुढ़कता हुआ नीचे जमा होगा, और अगर मान लीजिए कुछ यहाँ पर जमा भी हो गया तो बहुत ही पतला होगा, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत कह लीजिए बड़ा निक्षेप हो जाए, बहुत चौड़ाई में जमा हो जाए, ऐसा नहीं होगा, बहुत ही पतला सा निक्षेप होगा, इस तरह से आपको हल्का सा निक्षेप दिखाई देगा। अधिकतर जो निक्षेप होगा वो इसकी तली में जाकर के होगा। महाद्वीपीय मग्न तट का निचला भाग जहां वह गहरे सागर तल में मिलता है इसे महाद्वीपीय राइज कहते हैं। तो देखिए महाद्वीपीय मग्न तट महाद्वीपीय मग्न ढाल का वो निचला भाग जहां पर यह गहरे सागर तल से मिलता है इसको कहते हैं कॉन्टिनेंटल राइज। इसे महासागरों का प्रमुख निक्षेपी क्षेत्र माना जाता है क्योंकि यहाँ खड़े महाद्वीपीय मग्न ढाल से निक्षेप जमा होते हैं। तो देखिए जो निक्षेप सरकता हुआ आया, क्योंकि ढाल तेज था, महाद्वीपीय मग्न ढाल पर ढाल तेज है, तो जो निक्षेप सरकता हुआ आया
वो कहां पर जमा हो जाता है? कॉन्टिनेंटल राइस के ऊपर, यानी महाद्वीपीय राइस के ऊपर जमा हो जाता है। तो अगर देखिए हम लोग यहां पर देखें तो ये राइस लिखा हुआ है, इसको मैं थोड़ा सा क्लियर करूंगा जिससे आपको अच्छे से दिखा सके। तो देखिए ये राइस लिखा हुआ है, तो ये वो हिस्सा है जहां पर आपको सबसे ज्यादा निक्षेप मिलेंगे। इसके नीचे तो आपको बेसिन पूरा हो गया, इधर क्या है स्लोप है, और इसके बीच का जो हिस्सा है ये राइस है जहां पर सबसे ज्यादा निक्षेप आते हैं। अब देखिए बात कर लेते हैं अंतःसागरीय कैनियन की, यानी कि सबमरीन कैनियन की। तो देखिए अंतः महासागरीय कैनियन यानी कि जो सबमरीन कैनियन है, ये सकरे और गहरी घाटियां हैं, यानी कि एक तो ये सकरे होंगे और दूसरा इनकी गहराई बहुत ज्यादा होगी, और इनकी जो वॉल्स हैं यानी कि जो दीवारें हैं वो वर्टिकल होंगी, यानी कि लंबवत दीवारें होंगी। हिंदी में कहते हैं ऊर्ध्व पार्श्व भित्तियां, लेकिन इंग्लिश में समझना ज्यादा आसान है कि इनकी जो साइड वॉल्स होती हैं वो वर्टिकल होती हैं और खड़ी ढाल वाली होती हैं, यानी कि जो स्लोप है वो भी बहुत ज्यादा शार्प होता है। तो अंतःसागरीय कैनियन की क्या क्या विशेषता हो गई? पहली बात ये सकरा होगा, दूसरा चीज बहुत ज्यादा गहरा होगा, इसके साथ ही जो वॉल्स हैं इसकी वो वर्टिकल होंगी और खड़ी ढाल वाली होंगी। तो देखिए अगर हम लोग इसको फिगर में देखें तो यहाँ पर आपका जो सबमरीन कैनियन है उसको दिखाया गया है। देखिए ये जो सबमरीन कैनियन के बनने की विधियां हैं, इसको जब हम लोग एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे तब देखेंगे, बिकॉज ये काफी लेंदी है और उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसी का एक और फिगर हो जाता है यहाँ पर, जो कि सबमरीन कैनियन का ही फिगर है। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि जो वॉल्स हैं वो लंबवत हैं, इसके साथ ही बहुत ज्यादा इसमें गहराई आपको दिखाई दे रही है, और जो ढाल है किनारियों का जो ढाल है सबमरीन कैनियन के वो आपको बहुत ज्यादा शार्प दिखाई दे रहा है। शार्प ढाल को अगर सिंपली कहूँ तो कोई चीज अगर आप इस पे रखेंगे तो लुढ़कती हुई नीचे चली जाएगी। ये स्थलीय घाटियों जैसे ही दिखते हैं, यानी कि जैसी हमारी पृथ्वी की सतह पर नदियों की घाटी दिखाई देती है वैसे ही ये दिखते हैं, लेकिन इनकी जो गहराई है वो एक्चुअल में ज्यादा होती है। यानी देखने में आपको ऐसा लगेगा जैसे नदी की घाटी होती है वैसे ही दिखेंगे, लेकिन इनकी गहराई ज्यादा होगी। ये महाद्वीपीय मग्न तट और मग्न ढाल के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता है, जो कॉन्टिनेंटल स्लोप होता है, दोनों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, वहां पर आपको ये गहरी घाटी मिलेगी। ये सामान्यतः या तो बड़ी नदियों के अग्रभाग में पाए जाते हैं, तो जो बड़ी नदियों का मुख होता है वहां पर आपको या तो मिलेंगे। अच्छा देखिए जो अंतःसागरीय कैनियन है ये आपको कहाँ पर ज्यादा मिलेंगे? कटे फटे जहां पर तट हैं वहां पर ये कम मिलेंगे, और जहां पे सपाट तट होता है वहां पर आपको ज्यादा मिलेंगे। इसके साथ ही देखिए जो अलग अलग क्षेत्रों में आपको सबमरीन कैनियंस मिलते हैं, इनका ढाल भी अलग अलग होता है, किसी क्षेत्र में ज्यादा ढाल किसी क्षेत्र में कम ढाल, लेकिन फिर भी जो एक इनका औसत ढाल रहता है, जो एवरेज रहता है इनके स्लोप का, वो 1.7% के आसपास होता है। देखिए अंतःसागरीय जो कैनियन है ये मान लीजिए, देखिए कुछ जो द्वीप होते हैं, तो ऐसे द्वीप जिनमें ढाल जो है थोड़ा सा तेज होता है, यानी 13.8% के आसपास जिन द्वीपों का ढाल होता है वहां पे आपको अंतःसागरीय कैनियन ज्यादा मात्रा में मिलेंगे, मिलने की ज्यादा संभावना है, और इसके साथ ही ये गहरे भी होंगे। तो जाहिर सी बात है ऐसे द्वीप जहां पर ढाल तेज होगा, देखिए ढाल तेज होगा तभी तो ज्यादा गहराई तक जो है जो कैनियन है वो पहुंच पाएगा। तो जाहिर सी बात है जहां पर ढाल तेज होता है वहीं पर जो कैनियन है वो ज्यादा गहरा मिलता है। ये ऐसे तटों के ऊपर दुर्लभ होते हैं जहां अपभ्रंशित कगार होते हैं और महासागरों में अनेक द्वीप होते हैं। ये अमेरिका के पूर्वी तट पर कनाडा से लेकर केप हैटरस तक प्रचुरता से विस्तारित हैं। अंतःसागरीय, अब देखिए जैसा कि मैंने कहा इसकी जो उत्पत्ति वगैरह है उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे जब एक बार हम लोग कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे, बिकॉज ये अभी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। प्राइमरी लेवल पे हम लोगों को जो मुख्य कॉन्सेप्ट है उन्हें समझना आवश्यक है। तो ये आपका हो गया सबमरीन कैनियन। अब देखिए इसके बाद बात करेंगे गंभीर सागर पंख की। तो देखिए ये जो गंभीर सागर पंख है इसी तरह की आकृति नदियों द्वारा भी बनती है भूमि के ऊपर, लेकिन यहाँ पर जो ये पंख है ये आपके महासागर के अंदर बनता है, लेकिन जो बनने की प्रक्रिया है वो एक जैसी है। देखिए क्या होता है, महाद्वीपीय मग्न ढालों के आधार पर और अंतःसागरीय कंदराओं के अग्रभाग में स्थित
गंभीर सागर पंख के आकार या लोबेट या एप्रन आकार की होती है। तो देखिए फिगर में ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये आप देखिए, ये आप जो देख रहे हैं ये गंभीर सागर पंख है, पूरा येलो कलर से दिखाया गया। तो इस आकार में इस तरह से ये आपका गंभीर सागर पंख होता है। ये देखिए यहां पर भी ये दिखाया गया है, ये आपके डीप सी फैन के बारे में बताया गया है। तो इसका जो आकार है ये एप्रन की तरह होता है, और ये कहाँ पे मिलेगा, जो महाद्वीपीय मग्न ढाल है यानी कि जो आपका कॉन्टिनेंटल स्लोप है इसके आधार पर, ये कॉन्टिनेंटल स्लोप का जो आधार है, जो बेस है, यहां पर ये आपको पंख दिखाई दे रहा है पूरा फैला हुआ। और जो अंतःसागरीय कंदराएं होती हैं यानी कि जो कैनियंस होते हैं उसके अग्रभाग में, तो अभी हम लोगों ने कैनियंस के बारे में भी पढ़ा है, तो यहाँ पर जो कैनियंस है, ये जो कैनियन है इसके अग्रभाग में आपको ये गंभीर सागर पंख दिख रहा है। अब देखिए पंख तरंगे अंतःसागरीय कंदराओं से होकर निचले ढाल की ओर चलती हैं। तो जो समुद्र के अंदर तरंगे हैं जिसे हम लोग पंख तरंग कहेंगे, तो जो पंख तरंग है ये अंतःसागरीय कंदराओं के निचले सिरे से होकर के आती है। अब देखिए अंतःसागरीय कंदरा मतलब, पहले इसको मैं आपको समझा देता हूँ। तो ये देखिए हम लोगों का कैनियन है। अब देखिए ये कैनियन में क्या है, जब सागर की लहर जाएगी और वापस आएगी तो जाहिर सी बात है इरोजन होगा यानी अपरदन होगा। तो जब इसके अंदर अपरदन होगा इस कैनियन के अंदर, तो कुछ अवसाद भी होगा जो कट करके अलग हो जाएगा, क्योंकि अपरदन का मतलब ही होता है अवसादों का अलग होना। अब देखिए ये जो अवसाद अलग होगा, जाहिर सी बात है ढाल बहुत तेज है तो ऊपर तो रुकेगा नहीं, तो बहता हुआ नीचे आएगा, लेकिन नीचे क्या होगा, जहां पर ढाल कमजोर पड़ जाएगा वहां पर ये धीरे धीरे फैलने लगेगा। तो इसी से आपके ये पंख जैसी संरचना बन जाती है। तो अगर फिर से पूरी बात को एक लाइन में बताया जाए, तो पहले चरण में जो आपका कैनियन है इसमें इरोजन होता है, जब इरोजन होता है तो कुछ जो अवसाद है, जो मलबा है वो उसका निर्माण होता है, ये जो अवसाद है ये बहता हुआ नीचे की ओर आ जाता है और नीचे आकर के जमा हो जाता है, जिससे कि फैन का निर्माण हो जाता है। अच्छा देखिए कुछ बहुत ही सामान्य बातें हैं, जो हल्का मटेरियल होगा वो ज़्यादा दूर तक चला आएगा, तो आपको हल्का मटेरियल आगे के भागों में मिलेगा, और जो भारी मटेरियल होगा वो पीछे के भागों में मिलेगा, क्योंकि पिछले भाग में क्या है, जो भारी मटेरियल है वो यहीं पर जमा हो पाएगा, हो जाएगा, क्योंकि ढाल कम हो गया है तो ज़्यादा आगे तक नहीं जा पाएगा, हल्का मटेरियल थोड़ा और आगे तक चला जाएगा। तो पहली चीज हो गई, इसको हम लोग कहते हैं ग्रेडेड होना, यानी कि ये पंख कैसा होता है, ग्रेडेड होता है, भारी मटेरियल पिछले हिस्से में और हल्का मटेरियल अगले हिस्से में। इसके साथ ही एक चीज और होगी, देखिए जो भारी चीजें होंगी वो नीचे की ओर होंगी और जो हल्के पदार्थ होंगे वो ऊपर की ओर होंगे, तो इस तरह का भी इसमें एक आपको वर्टिकल ग्रेडेड भी आपको मिलेगा, वर्टिकली भी ग्रेडेड होगा ये, यानी लंबवत रूप से भी इसमें आपको ग्रेड दिखाई देगा, हल्की जो पदार्थ है ऊपर के हिस्से में और भारी पदार्थ नीचे के हिस्से में मिलेंगे। अच्छा देखिए क्या है कि ये जो पंख है, जाहिर सी बात है एक बार इसके ऊपर निक्षेप हुआ, अवसाद जमा हुआ, उसके बाद अवसाद आना तो बंद नहीं हो जाएगा, तो फिर अवसाद जमा होगा, फिर अवसाद जमा होगा, यानी कि कई सारी इसके ऊपर अवसादों की लेयर होती हैं। और देखिए जब ये कई सारे पंख आपस में मिल जाते हैं तो इसको हम लोग अंतःसागरीय उभार कहते हैं। तो जो चीजें मैंने अभी आपको समझाई हैं वही चीजें यहाँ पर बेसिकली आपको थ्योरी के रूप में दी गई हैं। अब देखिए गहरे सागरीय मैदान यानी डीप सी प्लेन के बारे में कुछ बातें करेंगे। तो देखिए जैसे नाम से ही पता चल रहा है ये एक तरह के समतल मैदान होते हैं, यानी कि गहरे सागरीय भागों में ये व्यापक रूप से फैले हुए समतल मैदान होते हैं। ये महाद्वीपीय मग्न ढाल और महासागरीय वितल के बीच पाए जाते हैं। कुल महासागरीय क्षेत्रफल का जो 82.71% हिस्सा है, लगभग में ये बात हो रही है 82.71% जो हिस्सा है उसके ऊपर यही जो आपका मैदान है वो फैला होता है। यानी कि देखिए एक ओशियन है तो उसमें कुछ जो है आपका कॉन्टिनेंटल सेल्फ भी होता है, कॉन्टिनेंटल स्लोप भी होता है, तो इस तरह से ओशियन जो है अलग अलग तरह के आकारों से मिलकर बना है। तो शेल्फ का कुछ हिस्सा होता है, कुछ स्लोप का होता है, इसी तरह से जो मैदानी हिस्सा है ये 82.7% होता है। गहराई कितनी होती है, 2000 से 6000 मीटर के बीच में। और पहले ये माना जाता था कि गहरे सागरीय मैदान समतल होते हैं और इनमें कुछ ही आकृतियां होती हैं, लेकिन हाल के एल्बेट्रोस के महासागरीय अभियान ने, यानी जो एल्बेट्रोस का महासागरीय अभियान है उसने क्या खोज की है कि अटलांटिक और प्रशांत महासागर के गहरे सागरीय मैदान
अत्यधिक विषम और खुरदरे हैं, यानी कि ये जो अटलांटिक और प्रशांत महासागर के सागरीय मैदान हैं ये विषम हैं और खुरदरे हैं, जबकि हिंद महासागर के मामले में जो मैदान है वो बहुत ज़्यादा समतल है, क्योंकि शायद यहाँ पर जो लावा है वो कठोर है, यानी कि ये जो हिंद महासागर का मैदान है वो कठोर लावा से निर्मित हुआ है जिसकी वजह से ये ज़्यादा समतल है, और आपके जो अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर के गहरे सागरीय मैदान हैं वो खुरदुरे हैं। अच्छा देखिए, ये जो हमारे गहरे सागरीय मैदान है तो जाहिर सी बात है ढाल कैसा होगा, ढाल उतना ज़्यादा तेज नहीं होगा, ढाल कमज़ोर होगा, लेकिन इस पर कहीं कहीं पे आपको रिजेस यानी कि कटक देखने को मिल जाते हैं, और ये कटक कई बार ऐसे होते हैं जो समुद्र के ऊपर तक दिखाई देते हैं, यानी कि पानी के ऊपर तक निकले होते हैं। तो एक और फीचर क्या हो गया कि गहरे सागरीय मैदानों में ढाल तो कमज़ोर होता है लेकिन कहीं कहीं पर कटक देखने को मिल जाते हैं। इसके साथ ही अगर इन मैदानों में बात करें तो देखिए अवसाद तो ज़्यादा नहीं आ पाएगा, ये जो मैदानी इलाका है सागर का वहाँ पर अवसाद ज़्यादा नहीं आ पाएगा, अपरदन से जो अवसाद बनता है वो नहीं आ पाएगा। अपरदन वाला अवसाद हम लोगों ने देखा था कहाँ पर मिलता है, वो फैन के रूप में मिलता है पीछे की ओर। यहाँ पर लेकिन क्या मिलेगा, किस तरह का यहाँ पर आपको जमाव मिलेगा, जैसे कि सागरीय जीव हैं वो यहाँ पर हो सकता है मृत अवस्था में हो, पौधे मिल जाएंगे, कुछ अन्य जो क्षारीय पदार्थ होते हैं उन सब का निक्षेप, उन सब का जमाव आपको इन मैदानों के ऊपर मिलेगा। इसके साथ ही देखिए एक जो इम्पोर्टेंट फीचर है जो आपको याद रखना है, मैं इसको आपको समझा रहा हूँ। देखिए क्या है कि दो तरह की प्लेट्स हो सकती हैं, एक जो है जहाँ पर आपका एक्टिवली कन्वर्जेंस हो रहा है, तो जब कन्वर्जेंस होता है तो दो प्लेटें जब आपस में टकराती हैं तो एक का सबडक्शन भी होगा, यानी एक प्लेट जो है नीचे की ओर जाएगी। अब देखिए इससे क्या बन जाता है, इसको मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में, कि जब इस तरह से सबडक्शन होता है ओशियनिक प्लेट्स में तो ट्रेंचेस यानी कि खड्ड का निर्माण हो जाता है, और देखिए जब ट्रेंचेस बन जाएंगी तो क्या होगा, इस चीज को थोड़ा सा समझिए। मान लीजिए चलिए हम लोग बात करते हैं प्रशांत महासागर की। अब प्रशांत महासागर की प्लेट क्या है, ये टकरा रही है, टकरा रही है तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि सबडक्शन हो रहा है, सबडक्शन हो रहा है तो क्या बन गई है, ट्रेंचेस यानी खड्ड बन गए हैं। अब देखिए ये जो खड्ड हैं गहरे गहरे या ट्रेंचेस हैं, इसके अंदर जो अवसाद है वो जमा होने लगता है, यानी कि अपरदन की वजह से, इरोजन की वजह से जो अवसाद मिला वो कहाँ पे जमा हो जाएगा, इस ट्रेंचेस में। तो जब ट्रेंच में सारा अवसाद चला जाएगा, क्योंकि ये बहुत गहरी होती हैं, तो फिर मैदान का निर्माण उतने अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए अगर प्रशांत महासागर की बात करें तो यहाँ पर जो सागरीय मैदान है उतना ज़्यादा बड़ा नहीं है। वहीं पे अगर हम लोग हिंद महासागर की बात करें जहाँ पर इस तरह का कोई एक्टिवली कन्वर्जेंस नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से कोई सबडक्शन नहीं हो रहा है, जैसे कि हिंद महासागर हो गया, कुल मिलाकर के जहाँ पर प्लेट बाउंड्रीज जो है जहाँ पर प्लेट बाउंड्रीज में कोई कन्वर्जेंस नहीं हो रहा है ऐसा कोई भी महासागर, वहाँ पर जो आपका मैदान है, जो गहरे सागरीय मैदान या डीप सी प्लेन है, वो आपको बड़े बड़े मिलेंगे, क्योंकि जो अब जो आप कह लीजिए कि अवसाद है उसका निक्षेप हो सकेगा, कुल मिलाकर के जहाँ पर निक्षेपण होगा। देखिए मैदान कैसे बनता है, नदियों के बारे में भी पढ़ा है कि मैदान तभी बन सकता है जब निक्षेपण हो, और निक्षेपण तभी हो पाएगा जब ये जो अवसाद है आगे तक पहुँचे। अब जब अवसाद जो है पहुँचेगा ही नहीं, सारा ट्रेंचेस में चला जाएगा, तो अब मैदान कैसे बनेगा। लेकिन जैसे हिंद महासागर है तो हिंद महासागर में इस तरह के कन्वर्जेंस नहीं हो रहा है, तो इसलिए जो अवसाद है उसकी वजह से विस्तृत गहरे सागरीय मैदान पाए जाते हैं। अब देखिए एक कॉन्सेप्ट आता है मिड ओशनिक रिज का, लेकिन इसके ऊपर एक पूरा वीडियो प्लेट टेक्टोनिक वाले चैप्टर में अवेलेबल है फिजिकल ज्योग्राफी में, तो वहाँ पर आप इस सिद्धांत को देखेंगे। इसी तरह से जो महासागरीय खाइयाँ और गर्त बनते हैं, इसको भी मैंने आपके ओशिनोग्राफी के लिए नहीं छोड़ा था, क्योंकि फिजिकल ज्योग्राफी में जब जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ रहे थे वहाँ पर इसको समझाना ज़्यादा आसान होता है, तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को भी मैंने आपको वहाँ पर समझा दिया था और बहुत ज़्यादा डिटेल में समझाया है। तो यहाँ पर आप कुछ उदाहरण वगैरह के लिए देख सकते हैं चीज़ों को, लेकिन जो ज्वालामुखी द्वीप हैं, जो खाइयाँ हैं, इन चीज़ों को ऑलरेडी हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में देख चुके हैं।